नमस्कार, आज हम आपको कॉलेज ऑफ फिशरी साइंस एंड रिसर्च सेंटर इटावा के तालाबों का भ्रमण करवाएंगे और दिखवाएंगे कौन कौन सी मछलियों का यहाँ कल्चर हो रहा है और ढेर कितने पौंड हैं, कैसे कैसे इनको प्रिपेयर किया जा रहा है। तो देख सकते हैं आप, ये पौंड नंबर 1 है जिसमें ऑर्नामेंटल फिशेज का कल्चर किया गया है, जिसमें गोल्ड फिश है, कोई कार्प है, कुछ टाइगर बार भी हैं, मिल्क फिश हैं, ज़्यादा संख्या में मिल्क फिश और गोल्ड फिश ही हैं। आप फिर अगला पौंड है 2 नंबर जिसे प्रिपेयर किया जा रहा है। फिर 3 नंबर है, आप देख सकते हैं सबसे अच्छा तरीका है एरिएशन को बनाने का, ढेर सारे छेद कर दिए गए हैं पाइप में। फिर इसके जस्ट बगल वाला 4 नंबर है जिसको भी प्रिपेयर किया गया है, आप देख सकते हैं 4 नंबर। आप ऑर्नामेंटल फिशेज को देख सकते हैं, मिल्क फिश ज़्यादा संख्या में है, कोई कार्प भी हैं, अच्छी खासी संख्या में है, टाइगर बार भी हैं, कुछ कामन के भी बच्चे हैं इसमें नीचे जो बॉटम में है लेकिन दिख नहीं रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हैं। पहुँच कर दी 4 नंबर है जिसमें नेचुरल ब्रीड की हुई ऑर्नामेंटल फिशेज को इसमें ट्रांसफ़र किया गया है, छोटी छोटी जो हैं फ्राई साइज की मछलियाँ इसमें ऑर्नामेंटल फिशेज हैं, वही मिल्क फिश, गोल्ड फिश, कोई कार्प, टाइगर बार्ब, यही सब मछलियाँ इसमें हैं जिसमें वो नेचुरल ब्रीड की हुई थी, उसमें से फिर इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है 4 नंबर के इस तालाब में। ये है पौंड नंबर 6 जिसमें IMC और EMC का कल्चर किया गया है, कतला रोह, मृगालय और सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कामन कार्प का। इसमें अभी 2 से 3 दिन पहले स्टॉक किया गया है और जिसको प्रिपेयर किया है 2nd ईयर के छात्रों ने, इसमें IMC और EMC का कल्चर किया है, कंपोजिट कल्चर किया गया है। और इसके जस्ट बगल वाला आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 5 है जिसको अभी प्रिपेयर किया जा रहा है कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चर के लिए इसमें 1st ईयर के बच्चों को देने जाने का प्रभाव है, प्रयास है कि इसको 1st ईयर के बच्चों को देने का है कि ये उसमें कल्चर करेंगे 1st ईयर वाले बच्चे। ये पॉइंट नंबर 3 है जिसे फर्टिलाइज करके छोड़ा जा रहा है, इसमें भी स्टॉक की जाएगी IMC और EMC। ये है पॉइंट नंबर 7 जिसे लगभग 1 साल पहले इसको प्रिपेयर किया गया था हम लोगों के द्वारा, मीन्स 4th ईयर बैच के द्वारा, जिसमें IMC का कल्चर किया गया था, एक तरीके से इसको ब्रूड स्टॉक पॉइंट ब्रूड स्टॉक इसमें किए गए थे, ब्रूडर्स को रखा गया था, फिर इनको जो है ड्राई करके अभी इनको ब्रूडर्स को सेलेक्ट करके अन्य पॉइंट्स में ट्रांसफ़र किया गया है ब्रीडिंग के लिए। फिर देख सकते हैं आप यहाँ से सीधे ये इस पानी को प्रक्षेत भवन में यूज किया जा रहा है सिंचाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंचाई के लिए भी लोग पानी यहाँ से ले जाते हैं, प्रक्षेत भवन बगल में सटा हुआ है। और ये 7 नंबर तालाब में ज़्यादा से ज़्यादा जो मछलियाँ थी कॉमन कार्प, रोहू, कतला, मृगल की मछलियाँ यहाँ इसमें ज़्यादा थी और वो अच्छी खासी साइज़ की थी, ब्रूड स्टॉक साइज़ की थी, लगभग 1 से 2 साल 2 से 3 साल की मछलियाँ थी जिन्हें ब्रूड स्टॉक के लिए मैनेज किया गया, फिर उन्हें ब्रीडिंग के लिए फिर अगले पॉन्ड में ट्रांसफ़र किया जस्ट बगल वाले में। आप देख सकते हैं कितने तालाब हैं इसमें कॉलेज ऑफ फिशरी साइंस रिसर्च सेंटर इटावा में, अच्छे खासे तरीके से मैनेज किए गए हैं।